तो निजता मौलिक अधिकार है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच कुछ ही घंटे बाद इस पर फैसला देगी। कोर्ट को यह तय करना है कि किसी व्यक्ति की निजता संविधान से हर नागरिक को मिले मौलिक अधिकार का दर्जा रखती है या फिर नहीं रखती है। इसके साथ ही कोर्ट निजता के अधिकार के दायरे भी तय करेगा। ट्रिपल तलाक के बाद आधार पर बड़े फैसले का दिन। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला। देश की सबसे बड़ी अदालत आज ये तय करेगी कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं। इससे पहले 2 अगस्त को कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस J.S. खेर की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि जो डेटा जिस मकसद से लिया जाता है उसका इस्तेमाल उसी में होना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि लोगों द्वारा सामान्य जानकारी देना निजता के अधिकार के दायरे में नहीं आ सकता। ये मामला आधार कार्ड से जुड़ा है। केंद्र की कई योजनाओं में आधार को जरूरी बनाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल हैं। इन याचिकाओं में सबसे अहम दलील है आधार से निजता के अधिकार के हनन की। याचिकाकर्ताओं ने आधार के लिए बायोमेट्रिक जानकारी लेने को निजता का हनन बताया है, लेकिन सरकार का तर्क है कि इसे मौलिक अधिकार मान लिया जाए तो व्यवस्था चलाना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी निजता का हवाला देकर जरूरी सरकारी काम के लिए फिंगरप्रिंट, फोटो या कोई जानकारी देने से मना कर देगा। अब कोर्ट को ये तय करना है कि किसी व्यक्ति की निजता संविधान से हर नागरिक को मिले मौलिक अधिकार का दर्जा रखती है या नहीं। मौलिक अधिकार संविधान से हर नागरिक को मिले बुनियादी मानव अधिकार हैं, जैसे बराबरी का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार। इन अधिकारों का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मान लिया और इसके पक्ष में फैसला सुनाया तो एक अलग बेंच गठित की जाएगी। इससे सबसे बड़ा असर ये होगा कि भविष्य में सरकार के किसी भी नियम कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकेगी कि वो निजता के अधिकार का हनन करता है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत बड़ा असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।